Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, एक्ट्रेस निर्मित कौर को मिली ये बड़ी फिल्म, सामने आई ये खबर। छोटी सरदारनी का हिस्सा रही एक्ट्रेस निर्मित कौर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबरें हैं कि वो संजय लीला भंसाली के बैनर तले बनने वाली फिल्म हरी मंडी में नजर आ सकती हैं। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने एंटरटेनमेंट पोर्टल को बताया है, निर्मित जल्द ही अपना ओटीटी डेब्यू करने वाली हैं और संजय लीला भंसाली की आने वाली वेब सीरीज हीरा मंडी में उनकी एक दिलचस्प भूमिका है। हालांकि फिलहाल एक्ट्रेस निर्मित कौर आहलूवालिया की ओर से इस बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं किया गया। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, सुपर डांसर चैप्टर 4 होने वाला है अगले महीने ऑफ ईयर। जी हां, खबरें सामने आए हैं कि डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 अच्छी टीआरपी नहीं मिल पाने की वजह से ऑफ ईयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस शो को इंडियाज बेस्ट डांसर का नया सीजन रिप्लेस करेगा और ये शो अक्टूबर महीने में ऑफ ईयर होने वाला है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, बुरी बहू का टैग मिलने पर भड़की कश्मीरा, अब मामी सुनीता को कही ये बात। पिछले दिनों अपने एक बयान में कृष्णा की मामी और गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कश्मीरा पर हमला बोलते हुए उन्हें बुरी बहू बताया था, जिसका अब कश्मीरा शाह ने जवाब दिया है। खुद को बुरी बहू का टैग दिए जाने से नाराज कश्मीरा शाह ने ट्विटर पर सुनीता आहूजा को करारा जवाब दिया। कश्मीरा ने ट्विटर पर लिखा, वर्क ट्रिप की वजह से बाहर थी, अभी लौटी हूँ और देख रही हूँ कि लोग कैसे हमारे फैमिली मैटर में अपना हाथ साफ कर रहे हैं। एक बयान को पढ़ते वक्त मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि बुरी बहू क्या होती है, मैंने जवाब दिया, वो जिसे क्रूर सास मिली हो। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, खतरों के खिलाड़ी 11 से बाहर आकर अब दिव्यांका ने कही ये बात। एक इंटरव्यू में दिव्यांका ने खुलासा किया है कि उन्हें पहले दिन से ही ऐसी फीलिंग्स थी कि वो ट्रॉफी नहीं जीतेंगी। दिव्यांका ने ऐसा क्यों कहा, चलिए जानते हैं। ई टाइम से खास बातचीत में धाकड़ गर्ल दिव्यांका ने कहा कि जब मैंने शो में एंट्री की थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिनाले तक पहुंचूंगी। ये मेरे लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी सरप्राइजिंग था। कईयों को लगा था कि मैं शो के लिए मिस फिट थी, वो मुझे स्टंट करते देख हैरान हुए थे, लेकिन शुरुआत से ही मुझे ऐसी फीलिंग्स थी कि मैं शो में नहीं जीतूंगी। शो के जरिए जो प्यार और इज्जत मुझे मिली वो बेशकीमती है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, श्वेता की बिगड़ी तबीयत देख एक्स हस्बैंड अभिनव ने कही ये बात। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने बिजी शेड्यूल और लगातार काम ट्रेवल करने की वजह से अस्पताल में एडमिट हो गई है। श्वेता को लो ब्लड प्रेशर और कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। श्वेता की खराब तबीयत की बात सामने आने के बाद फैंस उन्हें जल्द सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली का भी रिएक्शन आया। अभिनव ने इंस्टाग्राम पर श्वेता तिवारी के जल्द ठीक होने की कामना की, साथ ही एक्ट्रेस के वजन घटाने पर कमेंट भी किया है। अपनी पोस्ट में अभिनव ने लिखा, मेरी और मेरे लड़के को आपस में मिलाने और साथ रहने के हक की लड़ाई अपनी जगह है, जो कोर्ट में चल रही है, पर भगवान करे श्वेता जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, क्या सिद्धू के लौटने पर शो छोड़ देंगी अर्चना पूरन से? नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही अर्चना पूरन सिंह चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में द कपिल शर्मा शो के फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि क्या सिद्धू अब कपिल के शो में वापसी करेंगे या फिर नहीं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई फनी मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ खुद अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले पर अर्चना पूरन सिंह ने कहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू शो में फिर से वापसी करना चाहेंगे तो वो द कपिल शर्मा शो में अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। टीवी का तड़का, सातवें आखिरी टॉप न्यूज, करण मेहरा को मिली अग्रिम जमानत। पत्नी निशा रावल से घरेलू हिंसा के मामले में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर करण मेहरा को अग्रिम जमानत मिल गई है। करण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है, अग्रिम जमानत के चलते अब निशा ने मेरे और परिवार के खिलाफ जो गलत केस दायर किया है, इससे हमें कोई सीधे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। मैं अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। 31 मई को निशा रावल ने करण मेहरा पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। वक्त तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।